तो हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू होता है और आज मैं बाजार जा रहा हूँ काम से। आपको दिखाऊंगा रास्ते भर की वीडियो पूरी। लखीमपुर में जा रहा हूँ, लखीमपुर से यहाँ पर करीब है, बहुत करीब है, ज़्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं कि एक मिनट लग जाए, पहुँच गए। और अभी हम लोग पहुँच जाएंगे, आपको रास्ते की वीडियो बना के दिखाएंगे। अभी सुबह हुई है और यहाँ पे अब गर्मियाँ चल रही हैं, रमज़ान चल रहा है, इसीलिए गर्मी बहुत होती है और धूप बहुत निकलती है। मैं चल रहा हूँ, धूप यहाँ पर खाली रात को नहीं लगती या फिर सुबह में फज्र से पहले सहरी के टाइम नहीं लगती और ना लगती है। अभी मैं जा रहा हूँ काम से, धूप बहुत है, इसीलिए मैं परछाई में आपको दिखूंगा। अब मैं परछाई में चल रहा हूँ, नहीं अभी नहीं बढ़ूंगा आगे, धूप बढ़ूँ कि नहीं कमेंट करके बताओ। तो ये देखिए, यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा बहुत है, यहाँ पे सब लोग ही कूड़ा कबाड़ा बहुत डालते हैं। ये देखिए, यही यहाँ से हम लोगों के घर तक जितना भी कूड़ा कुछ भी रहता है या फिर यहाँ पर इस तरफ को जितना भी कूड़ा रहता है सब यहीं पर डाला जाता है, इसीलिए इतना कूड़ा दिखता है। तो अब मैं चल रहा हूँ, अभी जब मिलेगा हम लोगों के घर का कुछ सामान लेना है, इसीलिए आज हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। ज़्यादा सामान लेना हो तो गाड़ी से जाते। अभी यहाँ पर थोड़े परछाई है क्योंकि यहाँ पर घर बने हैं, पतली रोड है। देखिए, हम लोगों का घर हाईवे के पास है नहीं, तो इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी दूर तक जाना पड़ता है, फिर हम लोगों को रिक्शा मिलता है। अब मुझे रिक्शा मिलने वाला है। यहाँ तक रिक्शा तो आ सकते हैं, पर बुलाने के लिए कोई लड़का हम लोगों को चाहिए और मैं तो जा नहीं पाता हूँ अकेले। तो देखिए, अभी यहाँ से एक रिक्शा निकला पर उस तरफ को जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। हम लोगों को बस सीधे जाना है, अब सीधे जाना है, फिर लखीमपुर पड़ेगा। हम लोगों का काम हो चुका है, इसीलिए अब हम वापस घर पर जा रहे हैं। देखिए, मैंने फुटबॉल खरीदा है एक, देखिए अब हम वापस घर पर जा रहे हैं। देखिए, रिक्शा हाईवे पर मिलते नहीं ज़्यादा, जहाँ पर से हम लोगों ने लिया था वहीं पर मिलते हैं, इसीलिए ज़्यादा मिलते नहीं, तो अभी हम लोगों को खड़े रहना पड़ेगा। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ जो कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने ये खरीदा है। देखिए, देखिए बहुत ही ज्यादा महत्ता है, महत्ता भी है। वो पागल है, पागल है, पागल है, वो रुमाल बजाने पहले ले फुटबॉल लेने गया था, मैंने लिए नहीं लाया था। अक्कल अक्कल लम्बे वो अच्छी लम्बे बोले तो मैं लगा आधा का जो उसको पकड़ लो, अच्छी मदद कर लो, माफी मांगो उसको, माफी दो। बस कल आबोगे कि हम दबाना ना करते
अदरक पानी हुआ और इतने मारने देता। आप तो लेते हैं बाय बाय, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे दोस्तों। तो ये जो बोल रही थी ये मेरी बहन थी, इसकी बात का बुरा ना मानिएगा क्योंकि ये पूरा दिन तमाशा करती रहती। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, अब मैं आपसे मिलूँगा बाद में। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं बाजार में गया हूँ कुछ सामान लेने, अब मैं वापस आ चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। अब मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं बाहर जाता हूँ। मैं रोटी खा रहा हूँ, चावल, कीमा, अचार। जैसा कि आपने देखा मैं खाना खा रहा था, अब मैं खाना खा चुका हूँ और फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया। अब असर का टाइम हुआ है तो मैं असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए मैं मदरसे के करीब आ चुका हूँ, मैं नमाज में आ चुका हूँ। नमाज आपको दिखा नहीं सकता हूँ, देखिए अजान का टाइम हो गया है। अभी मैंने दोपहर में खाना खाया फिर नमाज पढ़ी, अब मैं आ चुका हूँ। अफ्तारी का टाइम बहुत करीब हो चुका है और आज मैं आपको कहीं ले नहीं जा पाया क्योंकि आज गर्मी बहुत है और हमारे अम्मी अब्बू भी रोज़ा रखते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में लाइक शेयर कमेंट भी करना। आप सबसे मैं एक सवाल पूछूंगा, ऐसी कौन सी कुरान करीम में सूरत है जिसमें बा नहीं लगा है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।